नमस्कार, मैं खुशवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बियाडा के लिए धारियों को उद्योग चालू कराने का मिला निर्देश। नदियों में बने टापुओं को हटाने का काम करेगी खनन विभाग। बक्सर चौसा पैकेज 2-4 लेन बाईपास बनाने की मिली मंजूरी। सूरज और प्रज्ञा राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में बिखेर रहे हैं जलवा। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नदियों में बने टापुओं को हटाने का काम करेगी खनन विभाग। बालू के टापुओं को हटाने की योजना पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए नदियों में मौजूद बालू के टापू का पहले जियो कार्डिनेट सर्वे किया जाएगा। इसके बाद यह देखा जाएगा कि किस नदी से कितनी गाद हटानी है। बताया जा रहा है कि गाद हटाने से राज्य में बाढ़ की समस्या से काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। जिन नदियों में से बालू का टापू हटाना है उसमें जल संसाधन विभाग ने खनन विभाग को 29 नदियों में मौजूद 238 बालू के टापुओं की सूची सौंप दी है। कोसी में 37, बूढ़ी गंडक में 36 और गंगा में 24 बालू टापुओं समेत राज्य की कई अन्य नदियों को मिलाकर बिहार की नदियों में 238 बालू के टापू बन गए हैं। सिल्ट के ये टापू न केवल नदियों की धारा बदल रहे हैं बल्कि इसके कारण नदियों की चौड़ाई भी लगातार कम होती जा रही है। इससे तटवर्ती इलाकों में कटाव की समस्या तेज हो गई है। इसके कारण नए नए क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है। बियाडा के लीज धारियों को उद्योग चालू कराने का मिला निर्देश। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को अगले 6 महीने में उत्पादन शुरू करने का आदेश दिया है। ऐसा नहीं करने पर कोर्ट ने जमीन खाली करने का आदेश दिया है। दरअसल राज्य में औद्योगिक को प्रोत्साहित करने और बिहार में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने बियाडा के उन जमीन के लीज धारियों को एक अंतिम मौका दिया है जिनके लीज आवंटन को बियाडा ने रद्द कर दिया था। दरअसल बीते दिन मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बियाडा के लीज धारियों को अंतिम मौका देते हुए कहा कि वे 6 माह के अंदर अपने औद्योगिक इकाई का 100% औद्योगिक और कॉमर्शियल उत्पादन शुरू देंगे। इसके शुरू हो जाने से रोजगार के अवसर भी बिहार में बढ़ जाएंगे। बक्सर चौसा पैकेज 2-4 लेन बाईपास बनाने को मिली मंजूरी। बक्सर जिले में NH 319A पर इस बाईपास को EPC मोड पर 1060.16 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की मंजूरी दी गई है। यह बाईपास ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी मार्ग होगा, साथ ही यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और बक्सर वाराणसी ग्रीनफील्ड मार्ग को जोड़ेगा। आपको बता दें कि चौसा बक्सर पैकेज 2-4 लेन बाईपास निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बीते दिन मंजूरी दी है। इस सड़क के बन जाने से भविष्य में बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने और सड़क परिवहन के सुगम और सुचारू रूप से इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे इस क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही बनारस आने जाने वालों को सुविधा होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ तय। राजधानी पटना के सभागार में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आगामी 24 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें देश भर से अधिवक्ता शिरकत करने पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस UU ललित करेंगे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत प्रत्येक राज्यों के बार काउंसिल से लगभग 15 प्रतिनिधि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 24 सितंबर को कार्यक्रम सुबह 9:30 से शुरू होगा जो कि 3 घंटे तक चलेगा। इसके बाद लंच ब्रेक होगा। अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक युवा अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होना है। सूरज और प्रज्ञा राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में बिखेर रहे हैं जलवा। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आए दिन बिहार की प्रतिभाएं उभर कर आती हैं और देश विदेशों में जाकर बिहार का नाम रोशन करती हैं। इस कड़ी में अब शामिल हो गए हैं सूरज और प्रज्ञा। दरअसल इंस्पायर अवार्ड में बगहा के सूरज कुमार की बहुउद्देशीय टोपी जो कि किसानों के बहुत ही उपयोगी है और राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में जलवा बिखेर रही हैं। वहीं सिवान की जुड़ादेई की रहने वाली प्रज्ञा ने कैप ऑपनर का आविष्कार किया है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की ओर से 14 से 16 सितंबर तक के लिए दिल्ली के प्रगति मैदान में यह आयोजित किया गया है। आयोजित समारोह में अन्य बच्चे भी शामिल होने आ रहे हैं। खबर के मुताबिक प्रज्ञा को इंस्पायर अवार्ड दिल्ली के द्वारा 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, साथ ही पढ़ाई की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। महवल से चकिया तक विशेष ट्रेन से सफलतापूर्वक हुआ स्पीड ट्रायल।
भारतीय रेल के संरक्षा आयुक्त पूर्वी सर्किल कोलकाता सुबो मोई मित्रा ने बीते मुजफ्फरपुर सगौली रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत 16 किलोमीटर लंबी महवल मेहसी चकिया नव दोहरीकृत रेलखंड का निरीक्षण किया। इसके बाद संरक्षा आयुक्त ने महवल से चकिया तक विशेष ट्रेन से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल भी किया। ट्रेन यहाँ 120 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार से दौड़ी। बता दें कि दोहरीकरण परियोजना के तहत अब मुजफ्फरपुर में नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। चकिया से सुगौली तक दोहरीकरण का काम पहले ही पूरा हो चुका है। अब निर्माण विभाग ने मोतीपुर कांटी के अलावा शहरी क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जंक्शन तक नई रेल लाइन निर्माण के लिए कवायद तेज कर दी है। इससे ट्रेनों के परिचालन क्षमता और कनेक्टिविटी और बेहतर होगा। इसके बाद नई ट्रेनें उत्तर बिहार को मिल सकेंगी। यूजीसी से मिली राशि का हिसाब नहीं मिलने से टीएमबीयू की बढ़ी परेशानी। तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी टीएमबीयू अस्तर से यूजीसी से मिली राशि का हिसाब व उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से फाइल तैयार नहीं हो पा रही। यूजीसी ने 11वीं व 12वीं योजना के तहत विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीजी विभागों व सेंट्रल लाइब्रेरी में किताब खरीदने व छात्रों के लिए नेट सीट की तैयारी को लेकर निःशुल्क कोचिंग कराया था। यूजीसी से कोचिंग मद में लाखों रुपये की अनुदान की राशि विश्वविद्यालय को भेजी गई थी। पीजी विभागों को भी किताब खरीद के लिए यूजीसी से विश्वविद्यालय के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इस मद का हिसाब विश्वविद्यालय में नहीं मिल पा रहा है, जिसका पीजी विभागों से यूजीसी मद में हिसाब व उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं मिलने से फाइल तैयार नहीं हो पा रही है। ऐसे में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। डीओ के साथ रजिस्ट्रार को भी यूजीसी मुख्यालय दिल्ली में 19 सितंबर को सशरीर उपलब्ध होना है। बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में मानसून की सक्रियता इन दिनों बनी हुई है। सितंबर महीने के शुरुआत से ही मानसून मेहरबान है। इस दौरान राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश हो रही है। आज भी राजधानी पटना सहित कई क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। मौसम विज्ञानियों की माने तो इस पूरे महीने बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बिहार के 28 जिलों में आज भारी बारिश के साथ वज्रपात होने को लेकर अलर्ट जारी किया था। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज प्रदेश के 28 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था। बाढ़ के बीच अब इन स्पेशल घरों में रहेंगी बकरियां। बाढ़ की वजह से हर साल इंसानों के साथ साथ मवेशियों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए पहली बार बिहार में स्पेशल गोट शेड बनाने की शुरुआत की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग वाले लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए पोल्ट्री बकरी पालन और कृषि पर काम करने वाला एनजीओ हेफर यह काम स्थानीय महिलाओं की मदद से कर रहा है। खास बात यह है कि इसमें राज्य सरकारें और बैंक भी सहयोग कर रही हैं। हेफर की ओर से पहली बार बिहार सस्टेनेबल लाइवलीहुड डेवलपमेंट परियोजना के तहत 6 जिलों के करीब 70,000 लोगों के साथ मिलकर बकरियों के लिए शेड बनाने का काम किया जा रहा है। भोला यादव को मिली जमानत। रेलवे भर्ती घोटाले के आरोपी और लालू यादव के करीबी भोला यादव को जमानत मिल गई है। भोला यादव को दिल्ली से जमानत मिल गई है। कुछ दिनों पहले सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन मामले में भोला यादव को दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद भोला यादव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। लगभग एक महीने के बाद भोला यादव को दिल्ली से जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि इस मामले में भोला यादव के साथ रेलवे में नौकरी कर रहे हृदयानंद चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया था। भाजपा ने सुधाकर सिंह को बताया कैबिनेट का हीरा। महागठबंधन सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने जब से कृषि अधिकारियों पर काम ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया, तभी से सुर्खियों में बने हुए भाजपा सुधाकर सिंह को कैबिनेट का हीरा बता रही है। जो कभी चावल गबन के मामले में सुधाकर सिंह को चोर कहा करती थी। दरअसल राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह द्वारा अधिकारियों पर काम ठीक से नहीं करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में सुधाकर सिंह से बात करनी चाही तो वे कैबिनेट बीच में ही छोड़कर चले गए। इसके बाद भाजपा एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि मैं उन्हें ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने जिस तरह अपनी बात रखी और अपनी बात पर कायम रहे उसकी तारीफ की जानी चाहिए। अगर कहा जाए कि वह मौजूदा कैबिनेट का हीरा हैं तो गलत नहीं होगा। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर फिर बोला हमला। रणनीतिकार प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जाने के कयासों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही हाल में हुई आपराधिक घटनाओं के लिए सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उससे लोगों की आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इससे पता चलता है कि लोगों की आशंकाओं को बल मिल रहा है। जब से यह सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का डर बढ़ा है और आशंकाएं सही साबित होती दिख रही हैं। हर जिले में आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। अटकलों को खारिज करते हुए प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि मैं अपने रास्ते पर कायम हूं व बिहार
के सीएम हैं और मैं भी इसी राज्य का रहने वाला हूं। कुछ लोग बता रहे हैं कि मैंने रात के अंधेरे में मुलाकात की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनसे शाम 4:30 बजे मुलाकात की थी और यह मीटिंग सरकारी आवास में हुई थी। जातिगत कार्ड खेलकर उन्माद फैलाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार। बीते मंगलवार को बेगूसराय में हुए शूटआउट मामले में नीतीश कुमार ने कहा था कि ये सब साजिश के तहत किया गया है। मुस्लिम और अति पिछड़ा बहुल इलाकों को जानबूझकर टारगेट किया गया है। इसके बाद अब विपक्षियों ने नीतीश कुमार द्वारा जातिगत कार्ड पर दिए गए बयान के बाद जुबानी हमला बोला है। इस बयान के बाद बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी तुलना महाभारत के धृतराष्ट्र से कर दी है। उन्होंने लिखा है कि जंगलराज से मुसलमानों को गोली मार दी जाए तो नीतीश बाबू को दर्द होता है। सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र को आम बिहारियों की जान की चिंता नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के सीएम को लेकर कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह बेगूसराय में सीरियल फायरिंग को जाति से जोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे लगता है कि नीतीश कुमार ने ही फायरिंग करवाई है। रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारत के स्टार बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है। भारत के 2004 अंडर 19 विश्व कप टीम के सदस्य उथप्पा ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया और इस दौरान उन्होंने 46 वनडे और 13 T20I खेले। रॉबिन इस टीम का हिस्सा थे जिसने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में उद्घाटन T20 विश्व कप जीता था। उन्होंने कर्नाटक के साथ कई घरेलू खिताब भी जीते और 2 बार IPL खिताब 2014 में KKR यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ और 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जीता। रॉबिन उथप्पा 2007 में हुए T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। वह उन खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने पहले T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ बॉल आउट किया था। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी कि गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 6,422 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 66 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 18 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 98,992 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 120 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, भान प्रकाश मौर्य, रंजीत मिश्रा, कविता कुमारी, रामाशीष पासवान, अनवर करीम खान, कुलदीप कुमार, संजय कुमार सिंह, रामाशंकर जायसवाल, जितेंद्र ठाकुर और खुशबू कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बारिश की स्थिति क्या है? अपने क्षेत्र का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।